नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी और खास खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बागपत और ग्रेटर नोएडा का दौरा है। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज खास दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सबसे पहले मवीखला गांव पहुंचेंगे। किसान इंटर कॉलेज में मल्टीपल स्टेडियम का वो निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ जिले के अर्जुन अवार्डी और अन्य खेलों के खिलाड़ियों से भी वो बात करते आज नजर आएंगे। खास ये दौरा है देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां सीएचसी में एटीएम का उद्घाटन के बाद मरीजों से वो वार्ता करेंगे, तो वहीं सीएम कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जन से भी वो वार्ता करेंगे। बागपत में करीब 3 घंटे का वक्त बिताएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बागपत के बाद ग्रेटर नोएडा भी जाएंगे सीएम योगी, तो खास दौरे हैं। और देखिए लगातार 2024 की तैयारियों में सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करा रहे हैं जो वादे 2.0 कार्यकाल से पहले किए गए थे, उन वादों को जमीनी स्तर पर भी पूरा किया जाए, और इसी के लिए ये खास दौरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। तो बागपत और ग्रेटर नोएडा का ये अहम दौरा, अब आपको कार्यक्रम बताते हैं। 10:30 बजे पुलिस लाइन बागपत में पहुंचेंगे सीएम योगी। 10:40 पर किसान इंटर कॉलेज मवीखला के स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। 10:50 पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ वो संवाद भी करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करने का भी काम करेंगे। 11:10 पर सीएचसी का निरीक्षण करेंगे और हेल्थ एटीएम का उद्घाटन भी करेंगे। 11:35 पर कलेक्ट्रेट में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम योगी और दोपहर 12:15 पर जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम आज बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। करीब 3 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और इस कार्यक्रम में मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, किस किस किन किन लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करेंगे, वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। बागपत में मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, जहाँ 10:30 बजे पुलिस लाइन बागपत में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इसके बाद में बागपत के बाद ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। और ग्रेटर नोएडा में क्या कुछ कार्यक्रम है वो आपको बता दें। 2 बजे ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 2:45 पर जेवर एयरपोर्ट स्थित हेलीपैड से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय आएंगे मुख्यमंत्री। 2:55 से 3:15 तक जीपीयू में ही रहेंगे और 3:20 पर एक्सपो मार्च पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद में 5:15 से लेकर 6:15 तक जीपीयू के शैक्षिक गतिविधियों में समीक्षा करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज बागपत और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं और इस दौरान तमाम कार्यक्रम होंगे जिनमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और कुल मिलाकर जो विकास कार्य हैं उनकी गति कितनी तेजी से चल रही है, कितनी तेजी से विकास हो रहे हैं, खासतौर पर जेवर एयरपोर्ट की अगर बात करें तो उसकी भी तैयारी की जा रही है कि 2024 से पहले वहां से पहली उड़ान भरी जाए। तो ऐसे में जेवर एयरपोर्ट कितना बनकर तैयार हो चुका है, कितना अभी बनना बाकी है, इन तमाम चीजों का आज निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो आज बागपत के दौरे पर रहेंगे और ग्रेटर नोएडा में बागपत में करीब 3 घंटे गुजारेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान तमाम लोगों से वो मुलाकात करेंगे और फिर इस मुलाकात के बाद करीब 2 बजे पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा, जहां पर जेवर एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे और उसके बाद में विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। तो देखिए आज का खास कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का और खास दौरा भी है। बागपत और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ वो मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे और बैठक के जरिए जो तमाम योजनाएं हैं उनका फीडबैक भी लिया जाएगा कि किस तरीके से वो योजनाएं जो है जमीनी स्तर पर संचालित हैं, उनमें क्या कुछ और बेहतर करने की जरूरत है। इन तमाम चीजों को लेकर भी बारीकी से सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक में चर्चा करते नजर आएंगे और साथ ही साथ जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको और किस तरीके से गति देनी है, इसके लिए अपने सुझाव देखे सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी खास दौरों पर जाते हैं तो वो जरूर रखते हैं जनप्रतिनिधियों के सामने। और ऐसे में आज भी जब वो ग्रेटर नोएडा बागपत का दौरा करेंगे तो अपने सुझाव रखेंगे ताकि आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिबद्ध हैं, उस तस्वीर को साक्षात और एक सही तस्वीर में बदला जा सके, इसके लिए लगातार ये कोशिश हो रही है। और देखिए जो कार्यक्रम का जो समय है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो इस वक्त लगातार आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बागपत पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और बागपत में 3 घंटों के बाद में फिर ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना होंगे।
और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष और विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष का रुख कर लेंगे। मनीष, क्या कुछ अपडेट? देखिए आज खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और देखिए 2024 के लिए क्योंकि जमीनी स्तर पर एक तस्वीर जो है मजबूत करने में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं, उसके लिए ताबड़तोड़ दौरे उनके सामने आ रहे हैं। आज बागपत और ग्रेटर नोएडा के दौरे के क्या मायने? देखिए निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा इसके मायने माने जाते हैं, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगीनाथ लगातार फील्ड पे रहने के लिए मशहूर हैं, माने जाते हैं उनकी कार्यशैली ऐसी है कि वो खुद फील्ड पे उतर के जायजा लेते हैं, समीक्षा करते रहते हैं और लगातार वहाँ की फीडबैक्स लेते हैं, वहाँ के आम जनता की और वहाँ के अधिकारियों के साथ समीक्षा करके वहाँ का फीडबैक लेते हुए नजर आते हैं। अब मुख्यमंत्री जहाँ हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में पूर्वांचल के दौरे पर लगातार थे, अब किया उनका दौरा पश्चिमांचल की तरफ शुरू हुआ है, आज बागपत और उसके बाद फिर ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे, जिसमें बता दूँ कि दो से अहम चीज़ें हैं। एक तो एक्सपो मार्ट का निरीक्षण करना है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, उसके पहले वहां का निरीक्षण करेंगे, वहां पर जायजा लेंगे और वहां की जो तैयारियां हैं उनके अंतिम दौर की तैयारियों का एक जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर रहते हैं, पहले भी हमने देखा है कि जब योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी वो लगातार फील्ड पर रहते थे, इस बार फिर से खुद उन्होंने कमान संभाल रखी है। हमने देखा किस तरीके से पहले पूर्वांचल के दौरे पर थे, लगातार विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद अब जब वो पश्चिम के दौरे पर गए हैं तो उसके पहले आज वो बागपत पहुंचेंगे, करीब ढाई से तीन घंटे बागपत पर रहेंगे, उसके बाद वो ग्रेटर नोएडा के लिए आएंगे जहां पे जेवर एयरपोर्ट पे भी उनका कार्यक्रम है, जेवर एयरपोर्ट का जो पूरा काम चल रहा है उसकी भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पश्चिम का दौरा है ये दो दिवसीय दौरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, उसके कई मायने भी हैं, जिस तरीके से फील्ड में जिस तरीके फीडबैक ले रहे हैं, कार्यों की समीक्षा की ले रहे हैं कि किस तरह से वो जो अधिकारी हैं उनके काम कैसे हैं और वहाँ के फीडबैक लेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आम जो जन प्रतिनिधि हैं उनसे और जनता से भी मिलने का उनका कार्यक्रम रहता है। तो डायरेक्टली उनका ये फील्ड पे उतर के और डायरेक्ट जनता से संवाद, उसके बाद जो अफसर्स हैं उनके समीक्षा करना, ये कहीं ना कहीं एक संदेश देता है अधिकारियों को भी कि जब आपका जो अधिकारी है, जो सबसे बड़ा बॉस है, सुपीरियर बॉस है, जब वो फील्ड में उतर सकता है, आपकी समीक्षा कर सकता है, तो आपको अपने काम में निपुण होना चाहिए, आपको अपने काम में 100% देना होता है, यही पूरा मकसद रहता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का, ये उनका वर्किंग स्टाइल भी रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए आज अभी ये खास दौरे हैं, इस दौरान तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी उनको शिरकत करनी है और इसके जरिए क्या वो संदेश देते हैं ये देखना होगा। मनीष बने रहिए आप हमारे साथ, विकास भी हमारे साथ बने हुए हैं बागपत से। विकास, क्या अपडेट? क्योंकि तीन घंटे से ज्यादा का करीब समय आज सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत में बिताने वाले हैं, क्या बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं और किस तरीके से आज वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे? जी उन्नति, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत पहुंचे, 10:30 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसके बाद वे मवी कला पहुंचेंगे, मवी कला में स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे और वहां पर जो खिलाड़ी हैं उन्हें सम्मानित करेंगे, उसके बाद उनके बागपत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचेंगे और एटीएम हेल्थ मशीन का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद उनका बागपत कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक है और विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधि, सांसद और जो वहां पर कार्यकर्ता है उनसे ये बात करेंगे और देखा जाए कि 2024 का ये लोकसभा चुनाव है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये बेल्ट सबसे मान्य मानी जाती है, इस पर भी विचार किया जाएगा। जी उन्नति बिल्कुल, और देखिए लगातार क्योंकि विकास कार्यों को गति देने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जोर रहता है विकास, और ऐसे में वहां पर कौन कौन से ऐसी योजनाएं रहेंगी, कौन से ऐसे विकास के काम रहेंगे जिनको गति देने के लिए आज निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जा सकते हैं? देखा जाए तो अभी तक सबसे बड़ी बात सामने आई है कि जो एटीएम हेल्थ मशीन है उसका वहां पर उद्घाटन होगा और भी योजनाएं हैं जो बागपत को यहां तक सौगात मिलने वाली है। योगी आदित्यनाथ आठवीं बार यहां पर बागपत पहुंच रहे हैं, लगातार यहां के जो योजना है उन्हें मिल रही है। जी बिल्कुल, और मनीष का रुख करते, देखिए मनीष लगातार समीकरण जो साधने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, चाहे वो पश्चिम यूपी में का दौरा करें या फिर किस तरीके से ताबड़तोड़ जो उनके बैक टू बैक दौरे सामने आ रहे हैं उसमें हर एक समीकरण को बांधने का प्रयास किया जा रहा है, और जो बीजेपी का संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है बीजेपी। निश्चित तौर से उन्नति, देखिए ये बीजेपी की ये कार्यशैली ही ऐसी रहती है कि लगातार वो फील्ड में रहते हैं, लगातार एक्टिव मोड पे रहते हैं, शायद यही एक उनके साथ प्लस पॉइंट भी रहता है कि उनका जो जीत का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, 2014 के अगर पहले की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी हाशिए पर नजर आती थी, 2014 के बाद से लगातार जो जीत का रफ्तार पकड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने वो कहीं ना कहीं आप देखते जाएंगे तो लगातार 14 की बात करेंगे, 17 की बात करेंगे, 19 की बात करेंगे, 22 की बात करेंगे, और अब मिशन 2024 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमर कस रखी है, उन्होंने खुद वादा किया था रामपुर और
आजमगढ़ के उपचुनाव के बाद जिससे आपने देखा था जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था उसमें सीन लगाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कॉन्फिडेंस की आप बात करेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पहले हम 80 में से 75 की बात करते थे पर अब 80 में से 80 हम जीत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ताज तख्त पे बैठाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं उसके लिए काम करना पड़ता है और शायद फीडबैक लेने पड़ते हैं जिससे किसी इंटरनल रिपोर्ट्स की भी बात सामने आई कि इंटरनल रिपोर्ट्स भी जाएंगी क्योंकि सांसदों के टिकट का भी निर्धारण होगा 80 में से 80 सीट जीतनी तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये चीज पता है कि जब वो लीड करेंगे तभी उनकी पूरी टीम लीड करेगी और वही जाके आपको अंत में आपको रिजल्ट ओरिएंटेड आपको बना सकता है। हमने देखा है जिससे कि पूर्वांचल में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे तो दोनों संगठन के जो मेन अधिकारी पदाधिकारी हैं चाहे संगठन महामंत्री की बात कर लें चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें लगातार वो लोग भी दौरे पे थे और लगातार जिस तरीके से जो पहले निकाय चुनाव होने जा रहे हैं जो कि नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक माना जा रहा है कि अप्रोप्रिएट वो उसमें हो सकते हैं तो उनको सेमीफाइनल का देख रहे हैं क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल का चुनाव होता है उन्हें उसमें किस तरीके से आपको जनता के बीच में जाना होता है जनता के बीच के जो सबसे पहला स्टेप होता है निकाय के उनको मत का चुना जाता है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी भगवा फैलाने की कोशिश में है और उसके बाद मिशन 2024 के लिए कमर कसर की लगातार हमने देखे हैं चाहे संगठन के पदाधिकारी हों चाहे मंत्री हों चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दिल्ली के दौरे पे रहते हैं लगातार शीर्ष नेतृत्व कनेक्शन में भी रहते हैं लगातार उन लोगों के बीच में संवाद भी होता रहता है और यही माना जा रहा है कि 2024 के लिए जिस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष हम देख रहे हैं चाहे वो बिहार की बात करेंगे नीतीश कुमार तीसरा मोर्चा बनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं कि तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको एक करते हुए नजर आ रहे हैं चाहे ममता बनर्जी हो चाहे मनीष लेकिन देखिए लगातार बीजेपी अपना चैलेंज जो है खुद को ही समझती है और इसी के साथ बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही है और निकाय चुनाव क्योंकि सबसे ज्यादा जड़ माने जाते हैं तो लगातार इस जड़ पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। मनीष आप बने रहिए हमारे साथ, विकास आप नजर बना के रखिएगा, सीएम योगी के दौरे पर आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और अब सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए निशांत शर्मा। निशांत क्या अपडेट मिल रही है क्योंकि ग्रेटर नोएडा का भी आज खास दौरा करना है सीएम योगी आदित्यनाथ को, जेवर एयरपोर्ट भी जाएंगे, वहां का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका भी जायजा लेना है, क्या जानकारी? देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है सीएम योगी आज दो दिन के दौरे पर हैं गौतम मुद्रा नगर में, हालांकि ग्रेटर नोएडा में दौरा रहेगा जिसमें देखा गया कि सबसे पहले वो एयरपोर्ट जाएंगे, फिर बस टर्मिनल जाएंगे, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी फिर पहुंचेंगे, वहां पर कुछ देर का आराम करेंगे, फिर वहां से एक्सपो मार्ट जहां प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहां पर उसका निरीक्षण करेंगे और सीएम जो है यहां के जो वरिष्ठ अफसर हैं जो पुलिस अधिकारी हैं और अन्य अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनसे भी मीटिंग करेंगे, उनसे फाइलों की भी दुरुस्त करने की बात की जाएगी, तमाम तरीके पर चर्चा की जाएगी, कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से पुलिस व्यवस्था रखी जा रही है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है जिसको लेकर आज बैठक करेंगे। हालांकि जो रात्रि में भी गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में ही जो है खुद मुख्यमंत्री यहीं पर रुकेंगे तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है जिसको लेकर लगातार जो अधिकारियों के बीच में भी भगदड़ मची हुई है और अधिकारी जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के अंदर। बिल्कुल, यानी कि खास तैयारियां हो चुकी हैं सीएम योगी के आगमन को लेकर। बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम अपडेट के लिए। और चलिए इसी के साथ अब 10 के एजेंडे में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पीलीभीत से जहां पर एक दिल दहला देने मामला आज सामने आया है जहां पर दुष्कर्म का विरोध करने पर किशोरी को जिंदा के हवाले कर दिया गया। हालांकि फिलहाल किशोरी की हालत जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घटना के 3 दिन बाद किशोरी को होश में आया और तब जाकर उसने अपना बयान दिया है और बयान को लेकर ये वीडियो भी इसको जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जो है वो अब हरकत में आई है। दरिंदों ने 7 सितंबर को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। घटना माधो टांडा थाना क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे मामले में। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लेकिन सवाल इस वक्त उठ रहे हैं मानसिकता पर कि आखिर ये किस प्रकार की मानसिकता होती जा रही है, पहले दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद में अगर लड़की विरोध कर रही है तो उसको आके हवाले कर दिया जाता है। मैं खेत पर पौधा लगाने गया था, मेरी घरवाली गई थी मई के, मेरी लड़की घर पे अकेली थी। अब उसके साथ पता नहीं वो लड़के ने जबरदस्ती की या क्या किया, उसने आज में आग लगा दी। मैं खेत पर पानी लगाने गया था, मेरी घरवाली गई थी मई के, मेरी लड़की घर पे अकेली थी। अब उसके साथ पता नहीं वो लड़के ने जबरदस्ती की या क्या किया, उसने आज में आग लगा दी। थाना माधव टांडा चौकी सागर क्षेत्र के एक व्यक्ति के द्वारा
तहरीर दिया गया है। गांव के ही रहने वाला दो लड़के राजवीर एवं ताराचंद उनके बच्ची के साथ बलात्कार किया एवं उनको जान से मारने के उद्देश्य से उनके ऊपर डीजल छिड़का के आग लगा दी। इस संबंध में तहरीर मिलते ही थानाध्यक्ष के द्वारा FIR तुरंत दर्ज कर ली गई है उचित धाराओं में और दोनों नामजद अपराधी राजवीर एवं ताराचंद को गिरफ्तार कर लिया गया है और गहराई से पूछताछ की जाए। और इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर पीलीभीत से SP दिनेश कुमार प्रभु जुड़ गए हैं। दिनेश जी, देखिए इस तरीके के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है लगातार कि आखिर पुलिस कार्रवाई तो करती है लेकिन कार्रवाई में कहीं ना कहीं देरी हो जाती है और आरोपियों को भी देरी से गिरफ्तार किया गया वहां पर। नमस्कार जी, पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि ये 7 तारीख की घटना है। हाँ जी, और परिवार वालों ने सूचना थाने को या चौकी को कहीं पे भी दिया नहीं। मैं स्वयं लड़की से भी बात किया हूँ जी, उनके पिताजी से भी बात किया हूँ और गांव में जाके काफी लोगों से मैं स्वयं घटनास्थल निरीक्षण करने के बाद बात किया हूँ। गांव वालों को भी इस तरह से कोई भी सूचना नहीं है और ना PSC जो एडमिशन हुआ है पूरनपुर में वहां भी इन्होंने कोई सूचना नहीं दी है और यहाँ पे जिला अस्पताल में रेफर हुआ है तब भी नहीं हुआ है। तो कल शाम को जैसे ही सूचना मिली है हम तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और FIR दर्ज कर तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किए हैं, क्योंकि आज के डेट में गवर्नमेंट का प्रायोरिटीज इतना क्लियर है कि हम लोग इसमें देरी करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जी। और पिताजी से उनकी बात हुई थी, मैंने उनसे स्वयं वार्ता किया कि आपने सूचना कब दी है, उन्होंने स्वयं कहा कि सर आज ही अभी मैं दे रहा हूँ, पूर्व में कभी मैं थाने चौकी कभी नहीं गया हूँ, क्योंकि वो बात मेरे खुद के संज्ञान में नहीं है, ऐसे उनका कहना था। पूर्व में इनके बीच में ना कोई विवाद है लड़की से लेके हो या जमीन या पैसे लेने किसी भी प्रकार का विवाद के संबंध में उनके द्वारा जानकारी नहीं दी गई है जी। तो ऐसे में पुलिस जो सूचना मिलती है उसी के आधार पर कार्रवाई कर पाती है, हमारी मजबूरी है। लेकिन दिनेश जी, जब इस तरीके का कोई भी मामला अगर अस्पताल में भी पहुंचता है तो अस्पताल की तरफ से भी पुलिस को इस बारे में सूचना दी जाती है, तो क्या अस्पताल की तरफ से भी ये सूचना नहीं पहुंची थी आपके पास? इसमें इन लोगों ने अटेम्प्ट टू सुसाइड के रूप में या फिर इस तरह से जो मेमो है वो उन्होंने भेजा नहीं, उन्होंने सिर्फ एक बर्न इंजरीज करके भेज दिया है और उस वक्त डॉक्टरों को जो परिवार वालों ने कुछ और बोला है जी। क्योंकि वो जो दोनों की चीजों में विरोधाभास है इसलिए यहाँ बोलना ठीक नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जी। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और अब खबर लखनऊ से, जहां लेवाना अग्निकांड की अधिकारियों पर गाज गिरी है, जहां लापरवाही बरतने वाले करीब 19 अधिकारियों का निलंबन सामने आया है, ये कार्रवाई की गई है। निलंबन के साथ ही विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश हैं। तो वहीं पुलिस कमिश्नर मंडलायुक्त ने जांच रिपोर्ट सौंपी है, CM ने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गृह ऊर्जा नियुक्ति LDA के अफसरों पर गाजगिरी है, आबकारी विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है, अग्निशमन विभाग के 4 अधिकारी भी सस्पेंड किए गए हैं, ऊर्जा विभाग के 3 प्रशासन का 1 अधिकारी भी निलंबित हुआ है, LDA के 8, आबकारी के 3 अफसरों पर भी कार्रवाई की गई है। सुशील यादव अग्निशमन अधिकारी निलंबित किए गए हैं, अभय भान पांडे रिटायर मुख्य अग्निशमन अधिकारी भी निलंबित हुए हैं, योगेंद्र प्रसाद अग्निशमन अधिकारी निलंबित, विजय कुमार सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी निलंबित, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा विजय राव निलंबित, तो वहीं JE आशीष मिश्रा, SDO राजेश मिश्रा भी निलंबित किए गए हैं, साथ ही साथ PCS महेंद्र मिश्रा भी निलंबित किए गए हैं, रिटायर XCN अरुण सिंह और ओम प्रकाश सिंह भी निलंबित किए गए हैं। और ये वो तमाम लगातार नाम आपको बता रहे हैं जिन पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। तो JE जितेंद्र नाथ दुबे और रविंद्र नाथ श्रीवास्तव को भी इस वक्त निलंबित किया गया है, JE गणेश दत्त और जयवीर सिंह भी निलंबित हैं, AE राकेश मोहन और मीट राम प्रताप पर भी निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के उप आबकारी आयुक्त रहे जिनेन्द्र उपाध्याय को भी इस वक्त निलंबित किया गया है, जिला आबकारी अधिकारी रहे संतोष तिवारी को भी निलंबित किया गया है। तो कुल मिलाकर 19 अधिकारियों पर यह कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। आपको बता दें कि लेवाना अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए थे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो भी आरोपी पाए जाएंगे। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट्स है लेवाना अग्निकांड पर? CM योगी की आदित्यनाथ की तरफ से लगातार एक्शन देखा जा रहा है और अब कुल मिलाकर करीब 19 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। जी देखिए, निश्चित तौर से 5 विभागों को इस पर रडार पे लिए गए थे और कमिश्नर मंडलायुक्त जो रोशन जैकब हैं और कमिश्नर
पुलिस कमिश्नर के द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट दी गई थी जो कि शासक को कल शाम भी भेजी गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार आप जिस तरह से देख रहे थे एक्शन मूड में थे और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। लेवाना कांड में जिस तरीके से चार लोगों की मौत हुई थी और जिस तरीके से तमाम जो अधिकारी हैं, जो तमाम डिपार्टमेंट हैं, उनकी लापरवाही सामने आई थी, उसके बाद एक्शन होना लाजमी बनता था। इसलिए 5 विभागों के 19 अधिकारियों पर इस पर कार्रवाई की गई है और लगातार अभी भी जो रिपोर्ट है उनके ऊपर जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की रिपोर्ट दी गई। पर सबसे अहम सवाल एक उठता है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े अहदे पर बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई इसमें रिपोर्ट में नाम नहीं है, क्या उनके खिलाफ भी कोई रिपोर्ट होगी? क्योंकि जब भी अगर आप देखेंगे तो निचले स्तर के जो अधिकारी होते हैं, PCS हैं, JEE हैं, इन सबके खिलाफ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई जरूर है, पर जो बड़े अधिकारी हैं उनका कहीं पर नाम नहीं है, तो क्या उनको क्लीन चिट दी गई है इस रिपोर्ट से? ये जरूर एक प्रश्न उठता है। और जिस तरीके से लवाना का कांड हुआ था, लवाना कांड में जिस तरीके से रिपोर्ट्स मांगी गई थी और तत्कालीन चाहे वो VC रहे हों, चाहे आपके IAS लेवल के जो अधिकारी हैं उनका कहीं जिक्र नहीं है। PCS लेवल के हैं, JEE लेवल के यहाँ पे आपका अधिकारी कार्रवाई आपको दिखी है, पर क्या ये निचले लेवल पे ही पूरी सेटिंग थी? क्या ऊपर लेवल में नहीं पता था इतनी बड़ी चीज़, अगर कि इतना बड़ा कोई चीज़ होता है एक्शन लेते हैं तो क्या ऊपर लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको इसमें नहीं इन्वॉल्वमेंट होता है? ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बड़े अधिकारी हैं उनको खिलाफ भी कोई एक्शन लेते हुए नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है, सख्त कार्रवाई करते हैं और किसी के भी ऊपर कार्रवाई करने से पीछे हटते नहीं, तो माना यह जा रहा है कि अभी जो उनकी रिपोर्ट्स है, जो इंटरनल रिपोर्ट उनके पास पहुंचनी है, अगर वो पहुंचेगी तो माना जा रहा है कुछ और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होते हुए नजर आ सकती है। बहरहाल इस समय की सबसे बड़ी जानकारी यह है कि 5 विभाग के जो अधिकारी हैं, 19 अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और वो उसमें से कुछ रिटायर्ड भी हैं और कुछ अभी तत्काल प्रभाव से अभी उस डिपार्टमेंट में कार्रवाई की है। और अभी हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और अब खबर दिल्ली से, जहां चीनी मुखौटा कंपनियों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है, जहां जिलियन कंसल्टेंट्स के निदेशक डॉटर्स कोलेक को गिरफ्तार किया गया है। तो वही भारत से भागने की फिराक में था मास्टरमाइंड डॉटर्स से, फर्जी शेल कंपनियों को चला रहा था मास्टरमाइंड डॉटर्स से, जहां अपने बोर्ड में डमी निदेशक नियुक्त करने का मास्टरमाइंड है डॉटर्स से पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। तो वही कॉरपोरेटर मामलों के मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई की गई है और मास्टरमाइंड जो है अब गिरफ्त में है। तो मास्टरमाइंड से अब पूछताछ की जाएगी कि आखिर कब से और कैसे उसके मन में इतनी खतरनाक प्लानिंग पनपी जिसके बलबूते पर वो इतना बड़ी घटना को अंजाम दे पाया। और इसी के लिए देखिए, अब पूछताछ लगातार जारी रहेगी। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई की गई है जहां चीनी मुखौटा कंपनियों का मास्टरमाइंड अब गिरफ्तार हो चुका है। तो क्या है शेल कंपनी? सामान्य तौर पर ये कंपनी जो है कागजों में भी नामपत्र के लिए पंजीकृत होती है। इस कंपनी का क्या इस्तेमाल है ये बता रहे हैं, ऐसी कंपनियों की कोई पहचान नहीं होती है साथ ही, और ऐसी कंपनियों की पूंजी भी नामपत्र के लिए होती है, इन कंपनियों के कार्यालय और कर्मचारी भी नहीं होते हैं। तो सीधा जो जनता है वो कैसे कॉन्टेक्ट करेगी, कितना बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर है इसमें, ये इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए 10 के एजेंडे में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं नोएडा सेक्टर 63 से, जहां पर फिटनेस वर्ल्ड कंपनी की ओर से लगातार 7 महीने से रोजाना एक विशाल लंगर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। फिटनेस वर्ल्ड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश कपूर ने बताया कि सोमवीना प्रसादन के नाम से यह हमारा भंडारा 7 महीने से लगातार चल रहा है, जिसमें रोजाना 400 से 500 लोगों को फ्री भोजन ग्रहण कराते हैं और हर एक दिन बदल बदल कर खाना बनवाते हैं। ये भंडारा लगातार जारी रहेगा और नोएडा वासियों से भी मैं अपील करूंगा कि जो भूखे हों हमारे इस भंडारे में आए और प्रतिदिन भोजन खाएं। ये भंडारा हमने अपने मम्मी डैडी के नाम पे शुरू किया, सोमवीना प्रसादम, और ये हमने फरवरी से शुरू किया हुआ है, मंडे टू सैटरडे, और हम जो है 400 से लेके 600 लोगों को रोज़ लंच सर्व करते हैं। सात्विक खिचड़ी हमारा अपना सोर्स है, हमने बाहर लिख के लगा रखा है कि यहाँ किसी भी तरीके का दान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलना चाहूँगा कि जिनको खाने की प्रॉब्लम है उनको एक अच्छा खाना प्रोवाइड कराते हैं ताकि जिससे उनकी सेहत ठीक रहे।